दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जीवन परिचय बताने जा रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के बिनापुर ग्राम के एक कृषक परिवार में सन 1902 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही माता पिता के स्वर्गवासी हो जाने के कारण इनका लालन पालन मौसी ने किया। सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर ये अध्ययन छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इसी बीच मैट्रिक के पश्चात इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया। बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन की परीक्षा उत्तीर्ण की। पत्र पत्रिकाओं में लिखकर तथा स्वयं संपादन करके देशवासियों में देशभक्ति की जलवा धड़काने के आरोप में इन्हें जेल जाना पड़ा। सन 1931 में समाजसेवी दल की स्थापना की और सन 1957 ईस्वी में इस दल के प्रत्याशी के रूप में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचन हुए। बचपन से ही रामचरितमानस का पाठ करते रहने के कारण धीरे धीरे इनकी साहित्य रुचि का विकास हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपनी साधना का पुरस्कार नहीं चाहा, बल्कि ख्वाबी एवं पद के पीछे दौड़ने वाले को देखकर ये दुखी होते थे। समुच्चय ये नींव की ईंट बनना चाहते थे जिसके ऊपर सारी इमारत टिकी रहती है। भाषा साहित्य समाज और देश की सेवा सम्मान में एक साथ करने वाले बेनीपुरी जी का 7 सितंबर 1968 ईस्वी को निधन हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।